गांव में मगनलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके साथ उसके कई किसान मित्र भी थे, जिनका नाम कालू, चंचल और रवि था। मगनलाल किसान एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वह अपनी फसल उगाने के लिए हमेशा गांव के जमींदारों से पैसे लेता था। फिर बाद में उसे जमींदार को इसके साथ कुछ पैसे भी देने पड़ते थे। मगनलाल के पास गांव में दो बैल थे, जिनसे वह गांव के सभी लोगों की खेती चलाता था। उस समय उस गांव में सभी लोगों के पास स्वयं हल चलाने के साधन नहीं होते थे। इसी कारण वे सभी लोग मगनलाल से ही अपने खेतों की जुताई कराते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मगनलाल को पैसों की कमी होने लगी। गेहूं के बीज बोने का समय आ गया था, लेकिन किसान मगनलाल के पास गेहूं के बीज खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। मगनलाल अपनी पत्नी के गहने लेता है और जमींदार को गहने बेचने जाता है। बेचने का मतलब है कि वह उन गहनों के बदले में कुछ रकम लेकर अपने खेत में फसल उगाएगा, बाद में खेत में हुए मुनाफे में से जमींदार के पैसे चुका देगा, फिर अपने गहने वापस लेकर चला जाएगा। जब मगनलाल जमींदार के पास पहुंचता है तो मगनलाल जमींदार से कहता है, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, क्योंकि मैं अपने खेत में बीज बोने जा रहा हूँ, क्योंकि गेहूं का मौसम आ गया है और मुझे अपने खेत में बीज लगाना है, इसलिए मुझे 2,000 रुपयों की जरूरत है। तब जमींदार कहता है, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना। ये बात मगनलाल को पहले से ही पता थी। वह अपनी पत्नी के गहने लेकर आया था। मगनलाल जमींदार से कहता है कि मेरे पास मेरी पत्नी के गहने हैं, जिन्हें मैं रखकर पैसे ले लूंगा, बाद में पैसे देकर गहने ले लूंगा। मगनलाल को जमींदार पैसे देता है और इसी तरह और भी कई किसान हैं, वो भी अपनी खेती करने के लिए जमींदार से इसी तरह पैसे लेते हैं। सभी ने साथ मिलकर खुशी खुशी अपने अपने खेतों में अपनी पसंद की फसल लगाई। उस दिन फसल होने के बावजूद जब फसल काटने का समय आता है तो सभी कहते हैं कि अभी आपको 1 सप्ताह और लगेगा, उसके बाद आप और हम सभी अपनी फसल काट सकेंगे। सभी लोग बहुत खुश दिख रहे थे, क्योंकि इस बार सभी लोगों की फसल अच्छी हुई थी, जिसके कारण सभी लोग यही सोच रहे थे कि सबसे पहले जमींदार को पैसे देकर हम अपने गहने वापस ले आएंगे, उसके बाद जितने पैसे बच जाएंगे हम सभी उन पैसे पर उपयोग उन चीजों पर करेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। जमींदार किसी भी कीमत पर किसानों से लिए गए सोने चांदी के आभूषण वापस नहीं लौटाना चाहता था। किसानों के फसल कटने से एक दिन पहले जमींदार ने अपने नौकरों को किसान के खेत को नष्ट करने का आदेश दिया था, ताकि उसके पास पैसे न रहें और वह अपने गहने वापस ना ले पाए। जमींदार द्वारा भेजा गया नौकर रात में किसानों के सभी खेतों में आग लगा देता है। जमींदार द्वारा भेजे गए नौकरों ने केवल उन्हीं खेतों में आग लगाई जो जमींदार से कर्ज लेकर तैयार किए गए थे। अगले दिन जब मगनलाल सहित सभी लोग अपने खेत में आते हैं और देखते हैं कि उनकी सारी फसल जल गई है, फसल में एक दाना भी नहीं बचा, सब कुछ जल कर राख हो गया। यह देखकर मगन सहित सभी किसानों की हालत खराब हो गई, क्योंकि अब उनकी जेब में और पैसे नहीं थे और साथ में परिवार चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। सभी लोग एक साथ सोचने लगे कि हमारे खेत में ऐसा कारनामा कौन कर सकता है। तभी अचानक सभी किसानों को एक बात पता चली कि आज उन्हीं किसानों के खेतों में आग लगी है जो जमींदार से कर्ज लेकर अपने खेतों में फसल लगाते हैं। सभी किसानों को एक बात समझ में आ गई कि आग जमींदार ने लगाई है। फिर एक दिन सभी किसान एक जगह बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे कि उन्हें इस संकट से कैसे निकलना है। तभी मगनलाल को एक विचार आता है। वह सभी किसानों के कान में कुछ कहता है और कहता है, तो फिर यह बात पूरे गांव में फैला दो। सभी किसान चले गए और आसपास के गांवों में, और उन्होंने अपने गांव में यह बात फैला दी कि जो भी इस जमींदार से कर्ज लेकर अपनी खेती करेगा वह कभी खुश नहीं रह पाएगा, यह पनौती जमींदार है। धीरे धीरे पूरी बस्ती में यह खबर फैल गई कि इस गांव में जो जमींदार हैं, जो भी उनसे कर्ज लेकर खेती करेगा उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सोचकर सभी जमींदार हैरान थे और गांव के सभी लोग भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह बात धीरे धीरे उस जमींदार तक भी पहुंच गई। जमींदार सोचने लगता है कि अगर सभी लोग इस अफवाह को सच मानने लगेंगे तो कोई मुझसे कर्जा नहीं लेगा, तो मुझे अपने पैसे के बदले मुनाफा कैसे मिलेगा। एक दिन की बात है कि मगनलाल जमींदार के घर जाता है और जमींदार से कहता है कि जमींदार, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा जो जमींदार से कर्ज लेगा। जमींदार बहुत सोचने लगा और बोला, तुम कहाँ थे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने भी ऐसी बातें कही हैं और मेरे नौकर ने भी हमें ऐसी बातें बताई हैं। तभी मगनलाल कहता है,
अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, जिसके बाद कोई भी आपको पनौती जमींदार नहीं कहेगा। जमींदार कहता है, ठीक है मुझे बताओ, अगर तुम्हारा विचार सही है तो मैं उसे जरूर अपनाऊंगा। मगनलाल कहता है, जिन किसानों ने आपसे कर्ज लिया था उन्हीं के खेत जले हैं, यदि आप सभी किसानों का कर्ज माफ कर देंगे तो आप किसानों की नजर में भगवान बन जाएंगे और लोग आपको पनौती नहीं बल्कि अच्छा जमींदार कहेंगे। तभी जमींदार कहता है कि, ठीक है मैं मान लेता हूँ, इसका मतलब है कि मैं आपकी बात मान लेता हूँ और इस साल मैंने जो भी कर्ज दिया था उसे माफ कर देता हूँ। जमींदार की बातें सुनकर मगनलाल बहुत खुश होता है और घर आकर अपने साथी किसानों को पूरी बात बताता है। सभी किसान मगनलाल की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि आज आपकी चतुराई के कारण हमारी जान बच गई है, अन्यथा जमींदार हमें कभी भी हमारे आभूषण नहीं देने वाला था। उसके बाद सभी किसानों ने मगनलाल को धन्यवाद दिया और फिर सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। चतुर किसान की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई हमसे अधिक चतुराई करने की कोशिश करता है तो हमें भी उसे बताना होगा कि हम भी कोई कम चतुर नहीं हैं।